ना केवल आपके एट्थ के पर्पज से बल्कि नाइन्थ और टेंथ में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो आज यदि आपने अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया समझ लिया तो बेस आपका बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा जिससे कि आपको नेक्स्ट ईयर में इस तरह के क्वेश्चन यदि मिले तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ओके चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बट बिफोर दैट क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया बच्चों यदि नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और हाँ यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है है ना चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के फर्स्ट पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है फाइन द एंगल मेजर्स एक्स इन दॉलोइंग फिगर देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में सारे के सारे क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है एक्स क्या है एक एंगल है वो ये एक फॉलिगोन आपको दे दिया है पॉलीगोन के बाकी सारे एक एंगल को छोड़ के आपको बाकी सारे एंगल्स की मेजर दे दिए हैं और बोलेंगे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो तो हमें देखना पड़ेगा कि जो पॉलीगोन है वो कौन सा पॉलीगोन है क्वाड्रिलेट्रल है कि पेंटागॉन है है ना या हेक्सागोन है डिपेंडिंग ऑन द साइड ऑफ द पॉलीगोन हमारा क्या होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स होंगे है ना हमने प्रीवियस वीडियो में किया है एंगल सम का फॉर्मला भी देखा था उसके हेल्प से हमने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन के एंगल सम भी निकाले थे है ना तो यहाँ हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या करना है क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है है ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन्हें इन एंगल्स इन को नाम दे देते हैं बच्चों इसे दे देते हैं हम ए इसे दे देते हैं हम बी इसे सी और इसे डी तो हमें डी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है डी एंगल का मेजर फाइंड करना है ठीक सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री होता है इसे मेंशन इस करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना सबसे पहले क्या लिखेंगे एंगल वी नो दैट दैट एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है ये फिगर वी डिग्री ठीक इतना लिखेंगे अब एंगल सम बोला है तो मतलब सारे एंगल्स का सम यहाँ से ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री है ना यही तो एंगल्स है तो एंगल्स के नाम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हमारा हो गया थ्री सिक्सटी डिग्री अब सारे जितने भी एंगल्स हैं यहाँ पे इन सब के हम क्या लिख लेते हैं इनकी वैल्यूज हमको दी हुई है तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं ए एंगल का मेजर कितना है फिफ्टी डिग्री तो यहाँ हम लिख देते हैं फिफ्टी डिग्री प्लस बी एंगल का कितना मेजर है वन थर्टी डिग्री तो बी के नीचे क्या आ जाएगा वन थर्टी डिग्री प्लस सी एंगल का मेजर कितना है वन ट्वेंटी डिग्री तो यहाँ आ जाएगा हमारा वन ट्वेंटी डिग्री प्लस डी तो हमें निकालना है एक्स की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है तो b की जगह हम क्या लिखेंगे सिंपली x इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री कर देते हैं इन तीनों को एड है ना लाइक like टर्म्स है तीनों के तीनों एंगल्स है नंबर है so, इन तीनों को हम कर देते हैं एडो इरेज so, कर देते हैं तो so, ऐड करेंगे तो क्या जाएगा देखो 50 प्लस देखो 130 प्लस 120 कितना हो गया 250 हो गया 250 प्लस 50 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा है ना 3 प्लस टू फाइव होता है ना वन प्लस वन टू होता है तो ये हो गया टू फिफ्टी प्लस टू इन दोनों का सम टू फिफ्टी प्लस फिफ्टी करेंगे तो थ्री हंड्रेड ओके तो यहाँ हम सिंपली लिख देंगे थ्री हंड्रेड इन तीनों का सम प्लस एक्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी ओके अब एक्स को यही छोड़ते हैं हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो एक्स को छोड़ते हैं लेफ्ट में और 300 को ट्रांसपोज करते हैं राइट right में सबसे पहले 360 लिखेंगे फिर माइनस थ्री है ना ये सारी चीजें मैंने छोटी छोटी बातें आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया है तो यहाँ दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिक्सटी दिस विल बी योर फाइनल आंसर ना हमें तो एक्स की ही वैल्यू निकालने को बोला है देखो एंगल मेजर एक्स तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई तो फर्स्ट पार्ट इस तरह से हमें करना है सेकेंड पार्ट भी सेम इसी तरह का है बच्चों कुछ देखो सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा जो चेंज दिया है वो क्या दिया है यहाँ पे ये जो साइन आपको दिख रहा है ना बच्चों ये जो साइन है ये पर, ये जो स्क्वायर छोटू सा स्क्वायर जैसा साइन है ये हमारा ये साइन हमें बताता है कि ये दोनों लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर है और जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर रहती है तो दे मेक एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो दो लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर है ये साइन इस साइन का मतलब होता है कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है

थिंगस बिकम वेरी इजीते हैं इसे देते हैं बी इसे देते हैं सी और लास्ट वाले को दे देते हैं डी अगेन देखो कितने साइड है वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे भी क्या लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटर लगेगा है ना ये भी क्वाड्रिलेट्रल है क्योंकि तो चलो फटाक से क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सिंस सॉल्व स्टार्ट करेंगे और वो जो 90 डिग्री है उसको मेंशन कर लेते हैं पहले सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी ये साइन होता है परपेंडिकुलर का देखो बच्चों ये साइन होता है परपेंडिकुलर का एक लाइन जब दूसरे लाइन के ऊपर एकदम स्ट्रेट खड़ी हो एकदम स्ट्रेट ये होता है परपेंडिकुलर और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है तो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री ठीक 90 डिग्री का एंगल है वही हम मेंशन कर रहे हैं सिंस ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी ध्यान से देखो एंगल का नाम लिखना हमेशा बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है बच्चों एंगल के नाम लिखने लिखने के समय आप सिर्फ बी भी लिख सकते हो एंगल बी ठीक क्योंकि हम बी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं है ना तो जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ उस लेटर का भी यूज कर सकते हो आप लेकिन यहाँ देखो दो तरफ एंगल बी बन रहा है इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है तो जब एंगल बी हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन सा अंदर वाला एंगल बी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम एंगल ए बी सी लिखेंगे जिस एंगल के बारे में बात हो रही है बच्चों उस लेटर को हम बीच में लिखते हैं देखो बी के बारे में बात कर रहे हैं बी को हम बीच में लिखेंगे उसके अलावा बाकी दो जो बचे हुए हैं आप सी को भी पहले लिख सकते हो एक को बाद में लिख सकते हो या जैसे मैंने लिखा है ए को पहले और सी को बाद में तो लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसको हमेशा बीच में रखना चाहिए और, ओके? और तीन लेटर हम तब यूज करेंगे जब हमारा एक ही एंगल दो तरफ डिवाइड हो रहा है देखो यहाँ पे एंगल बी जो है वो उस तरफ भी जा रहा है लेफ्ट साइड में आपके और राइट right में भी आ रहा है एबीसी में भी आ रहा है ठीक इसीलिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया कि एंगल ए बी सी के बारे में हम बात कर रहे हैं ओके okay? क्लियर चलो इन सारी चीजों को अब करते हैं हम इरेज यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन्टी डिग्री बस अब पुराना पिछला क्वेश्चन जैसा हमने किया है सिंस ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रीलेटरल क्वाड्रीलेटरल इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री तो समल एंगल मतलब क्या एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी की जगह हम अभी बीबी लिख सकते हैं इस तरफ हमारा कोई एंगल तो है नहीं यहाँ तो कोई लेटर तो दिया नहीं है कि इस तरफ ई e है है ना यदि इस तरफ भी कोई लेटर दिया होता तो हम ए बी सी पूरा लिखते अभी हमने एक बार मेंशन कर दिया दोबारा पूरा लिखने की जरूरत है एंगल बी बस लिख लेते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी सी को थोड़ा अच्छे से लिख दो है ना एंगल एंगल सी प्लस डी इज इक्वल टू डिग्री अब क्या करना है बस एंगल्स के वैल्यूज पुट कर देते हैं ए की वैल्यू हमारी फाइंड आउट करनी है एक्स है तो ए के नीचे एक्स प्लस बी की वैल्यू हमारी अभी देखा नाइन्टी डिग्री है तो बी के नीचे नाइन्टी डिग्री प्लस सी की वैल्यू हमारी सिक्सटी डिग्री है तो सी के नीचे सिक्सटी प्लस बी की वैल्यू हमारी सेवेंटी डिग्री है तो यहाँ सेवेंटी इक्वल टू थ्री सिक्सटी बस अब तीनों इन तीनों को कर देते हैं एड तो देखो कितना मिलता है एक्स प्लस ये हो जाएगा देखो नाइन प्लस सिक्स होता है फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सेवन हो जाएगा टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू ट्वेंटी 360, तो इट इज़ है ना अब 220 को कर देते हैं ट्रांसपोज तो तो है? uh, okay? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला थर्ड वाला क्वेश्चन देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है बच्चों सबसे पहले तो देखो ये अब क्वाड्रिलेटरल नहीं है कितने साइड्स uh, है वन टू थ्री फोर और फाइव साइड्स है यहाँ देखो वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड और फाइव साइड्स है है ना तो ये है हम, हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये क्या है फाइव साइड्स वाला फिगर जो होता है वो पेंटागॉन होता है है ना तो सबसे पहले तो इनके एंगल का सम चेंज हो जाएगा है ना एंगल सम ऑफ पेंटागॉन इज नॉट सेम एज क्वाड्रिलेट्रल हमने देखा था क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल सम कितना पेंटा होता है इसका फॉर्मूला किसको याद नहीं है पेंटागॉन का फॉर्मूला क्या होता है एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वन एट्टी होता है यदि आपको टीचर ने बोला कि इसको स्पेसिफाई करना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड आउट करना एंगल को और यदि ये वाला पार्ट आपको निकालने के लिए नहीं बोला तो डायरेक्ट आप 540 भी लिख सकते हो एंगल सम ऑफ पेंटागॉन इज इक्वल टू 540 ओके तो एज योर टीचर टेल यू यू हैव टू डू दैट अभी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हमको करना चाहिए ओके okay? यहाँ पे हमारा पेंटागॉन का कितना साइज होता है फाइव एन की जगह हम फाइव लिखते हैं माइनस टू इंटू वन एट्टी डिग्री यहाँ से आ जाएगा हमारा फाइव माइनस टू हो जाएगा थ्री इंटू वन एट्टी विच इज इक्वल टू फाइव फोर्टी तो एंगल सम ऑफ पेंटागॉन तो हमें सेम यही मिलेगा तो यदि आपको आपके टीचर बोलते हैं कि डायरेक्ट आप यूज कर लो एंगल पेंटागॉन तो आप डायरेक्ट यूज कर लेना ठीक वन फाइव फोर्टी डिग्री और यदि आपको फाइंड आउट करने को बोले तो अब तो आपको फाइंड आउट करते भी बन जाएगा है ना चलो इसीलिए हमने कर लिया अब इसको फटाफट नाम दे देते हैं इसे हम दे देते हैं ए इसे दे, दे देते हैं बी दे, दे, दे देते हैं सी इसे दे देते हैं और इस एंगल को दे देते हैं नाम ई ठीक अब यहाँ ध्यान से देखो एक और बात ये सारी चीजों को इरेज कर देती हूँ मैं अब ध्यान से देखो पेंटागॉन तो है एंगल ए हमें थर्टी डिग्री दिया हुआ है एंगल सी हमें अंदर वाला नहीं दिया है बच्चों हमेशा एंगल सम में हम अंदर वाले एंगल को यूज करते हैं है ना तो अंदर वाला एंगल सी दिया है क्या हमें ये वाला एंगल सी दिया है क्या आ, let's take black color, तो आपको समझ में आएगा ये वाला एंगल दिया है क्या ये वाला एंगल दिया है क्या नहीं दिया है हमें तो बाहर वाला दिया है सेवेंटी डिग्री हमें अंदर वाला एंगल निकालना है दोनों तरफ एंगल सी में भी और एंगल डी में भी है ना हम क्लोज फिगर का क्लोज फिगर के एंगल का सम निकालते हैं बच्चों कुछ इस तरह से यदि हमने बनाया इस फिगर को दोबारा तो क्लोज फिगर के एंगल का सम मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला इंटीरियर एंगल, एंगल्स भी बोलते हैं इनको है ना तो अंदर के एंगल्स का ही हम हैं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये यह वाला एंगल निकालना है अंदर वाला सी एंगल और यहाँ पे अंदर वाला डी एंगल निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे लास्ट ईयर आपने लीनियर पेयर पढ़ा था उसको हम आज रिवाइज करेंगे एक बार तो ईजली आपको वो भी बन जाएगा दूसरी चीज एक और देखने की ये है कि यहाँ देखो दो एंगल्स निकालने हमें एक्स और एक्स दो जगह है लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों सेम एंगल है दोनों एंगल के मेजर सेम है एक्स और एक्स तो कुछ नहीं करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सारे एंगल्स को सम किया था इसमें भी हमें ए, सम करना है एक्स और एक्स ऐड कर देंगे तो टू एक्स हो जाएगा ना तो इसीलिए इसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्या हमें निकालना है लीनियर पेयर का यूज करके यहाँ पे हमें अंदर वाले दोनों एंगल निकालने ठीक तो यहाँ पे सी मेरा इरेज हो गया है तो लेट्स आ, राइट सी ऑल्सो यहाँ सी इरेज हो गया है रेड कलर ले, ले लेते यहाँ सी एंगल है है ना तो यहां पे एंगल सी अंदर वाला निकालेंगे तो यहाँ हम अलग से नाम दे देते ए बी सी डी ई हो गया इसे दे देते दे हैं एफ और यहाँ दे देते दे हैं हम जी ठीक हो गया सारे के सारे नेमिंग हो गए अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले लीनियर पेयर का यूज करेंगे हम क्या लिखेंगे आ, एंगल देखो पहले लीने पे समझ लेते हैं यहाँ एक लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट में यदि कोई एक लाइन सेगमेंट आके अः इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं बच्चों ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल इसे यदि मैंने ए नाम दे दिया इसे बी नाम दे दिया तो ये जो दोनो, दोनों जो एंगल है एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोस पड़ोस वाले एंगल है ना लगे हुए एंगल तो ए और आजू बाजू वाले एंगल तो ए और बी जो है एडजेसेंट एंगल है इन दोनों एंगल्स का सम जो रहता है वो हमेशा कितना रहता है वन डिग्री इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि, कि किसी एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक तरफ के जो एंगल्स रहते हैं ये जो एंगल रहता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं इसको है ना तो ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है यदि कोई लाइन सेगमेंट इस तरह से आके इंटरसेक्ट भी कर जाए तो भी ये जो दो एडजेंट एंगल बने आजू बाजू वाले इन दोनों का सम भी क्या होगा वन डिग्री और इसी को हम क्या कहते हैं लीनियर इसका नाम क्या है लीनियर पेयर देखो पेयर में है दोनों एंगल पेयर मतलब दो साथी है ना पेयर में है दोनों एंगल और किसके लीनियर लाइन line के ऊपर है ना तो इसीलिए इसका नाम लीनियर पेयर है तो यहाँ पे हम सिंपली बाय लीनियर पेयर लिखेंगे और एंगल्स का नाम लिख के एड करके 180 से इक्वेट कर देंगे कैसे देखो अभी तो भी बताती हूँ यहाँ पे इन सब चीजों को इरेज कर देते हैं हम फटाफट -पट. यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एंगल नाम पूरा पूरा देखो यहां से देखना सी एंगल के बारे में बात हो रही है है ना तो एंगल बी सी एफ बाहर वाला एंगल इसीलिए मैंने अच्छे से आपको नाम सिख, सिखाया इसके प्रीवियस वीडियो में तो यहाँ बाहर वाला 70 डिग्री जो दिख रहा है बी सी एफ है तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बी सी एफ प्लस अंदर वाला सी देखते बी सी और जी इस तरफ आ जाते हैं बी सी और जी ठीक बी सी और इस तरफ तो जी तो एंगल बी सी जी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री और रीजन में यहां हम लिखेंगे लीनियर पेयर ठीक अब कुछ नहीं बी सी जी का हमको बी सी एफ का हमको वैल्यू मालूम है देखो बी सी एफ का हमको वैल्यू मालूम है बीसी जी निकाल लेंगे तो बी सी एफ की वैल्यू हमारी सेवेंटी प्लस एंगल बी सी जी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री यहां से एंगल बी सी जी हमें मिल जाना है क्या वन एट्टी माइनस सेवेंटी डिग्री टू वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री लिख लेते हैं यहाँ पे वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री कांगल्ड ये एंगल है हमारा वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री ठीक अब नेक्स्ट वाला निकाल लेते हैं सिक्सटी वाला ऑल्सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चेंज कर लेते कलर पहले है ना ऑल्सो ऑल्सो क्या हो जाएगा एंगल इस तरफ देखो ई डी जी प्लस ई डी सी मतलब एक बार राइट में आना है और एक बार लेफ्ट में जाना है इस दो डी एंगल के लिए बीच में डी होना जरूरी है तो एंगल ई डी और जी ले, ले लेते हैं प्लस एंगल ई डी और लेफ्ट में जाएंगे तो सी लिखो चाहे एफ लिखो दोनों से इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अगेन लीनियर पेयर लीनियर पेयर ठीक डन अब यहाँ से भी एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं ई ई डी जी की वैल्यू देखो सिक्सटी डिग्री दी है तो डिग्री प्लस एंगल ई डी सी तो हमें फाइंड आउट करना है डिग्री एंगल ई डी सी हमें मिल गया कितना वन एट्टी माइनस सिक्सटी विच इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री ठीक अब हम लगा देते हैं एंगल सम ऑफ वेंटागोन एंगल सम ऑफ पेंटागॉन इज इक्वल टू 540 पहले ही हमने निकाल चुका है या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो एज आई टोल्ड यू फिर यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस अब पांच एंगल आएंगे है ना प्लस एंगल सी अच्छा सी पूरा लिख दे बी सी डी प्लस एंगल डी uh, को भी पूरा लिख देते हैं एंगल ई सी डी ये देखो दोनों निकाल निकाल चुके हैं यहीं से आप देख के लिख सकते हो ठीक बी सी जी यहाँ ऊपर हमने बी सी जी लिखा है तो हम यहाँ पे भी बीसी जी ही लिख देते हैं यहाँ पे भी बीसी जी अब बी सी जी लिखो चाहे बी सी डी लिखो दोनों एक ही है ना देखो डी और जी एक ही तर, एक ही लाइन के ऊपर है तो बी सी जी लिखा है ऊपर तो इसलिए यहाँ पे भी बी सी जी लिखती है बीसीडी भी गलत नहीं है तो यहाँ पे एंगल बी सी जी हो गया फिर दूसरा हमारा क्या है ई डी सी है एंगल डी प्लस एंगल ई भी है देखो ई एंगल भी है पांच है, तो पांच एंगल भी होंगे ही होंगे ठीक एंगल इज इक्वल टू फाइव फोर्टी डिग्री थोड़ा सा सोल्व कर, कर देते हैं एंगल ए की वैल्यू देखो थर्टी डिग्री है तो यहाँ आएगा थर्टी प्लस एंगल बी की वैल्यू एक्स है तो एक्स पुट कर देते हैं प्लस एंगल बी सी जी बी सी जी हमारा कितना आ गया बी सी जी हमारा बी सी जी हमारा वन हंड्रेड टेन डिग्री आया तो वन हंड्रेड एंड टेन प्लस EDC, EDC भी हमने निकाल चुका है कितना 120 डिग्री है तो मेंशन नहीं किया ये हमारा 120 डिग्री आया था है ना प्लस 120 और एंगल ई भी देखो एक्स है तो एंगल ई की जगह भी एक्स इज इक्वल टू फाइव फोर्टी डिग्री आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन बना लेते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके ये देखो क्या क्या बचा है तो कितना ये वन हंड्रेड एंड टेन प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी कितना हो जाएगा टू थर्टी टू थर्टी प्लस थर्टी हो जाएगा टू सिक्सटी तो यहाँ आ गया हमारा टू सिक्सटी इज इक्वल टू फाइव फोर्टी तो एज इट इज अब इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस चैप्टर में में बहुत सारे किए को छोड़े लेफ्ट माइनस हो जाएगा है ना ना फिर 2x, पहले पहले लिखते हैं हैं कर लेते हैं, ना? 2x 540 -260 कितना हो जाएगा हमारा ये जीरो का जीरो का जीरो होगा सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन तो यहाँ एट आ जाएगा है ना और फिर फोर uh, माइनस टू कितना हो जाएगा टू एटी हो जाएगा ओके okay, यहाँ से देखो टू एक्स इज इक्वल टू एटी तो मतलब एक्स इज इक्वल टू टू एटी एन में टू कैंसिल आउट कर देते हैं तो वन फोर्टी तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई फाइनल आंसर विल बी वन फोर्टी अच्छा और ये दोनों एक्स uh, की वैल्यू है वन फोर्टी इसकी वैल्यू भी वन फोर्टी और इसकी वैल्यू भी वन फोर्टी क्योंकि दोनों एक्स है है ना से समझ में आ गया होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे चल के बहुत सारी इस तरह के क्वेश्चंस का बहुत यूज है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है बच्चों कितने साइड्स है पहले ये देखो साइड्स हमारे पांच है वन टू थ्री फोर फाइव और क्योंकि ये रेगुलर फाइव साइड है मतलब पेंटागॉन राइट अब पेंटागॉन है और देखो सारे के सारे साइड्स में ये जो मार्क होता है ना बच्चों इसके इसका मतलब होता है कि ये सारे साइड्स जो है इक्वल है जहां पे भी आपने डबल साइन uh, देखा डबल लाइन का साइन देखा इट मीन्स वॉट ये सारे के सारे साइड अच्छा कभी कभी सिंगल लाइन से भी डिनोट करते हैं ओके okay? या सिंगल लाइन दे, देखें देखोगे आप तो सारे में सिंगल होगा डबल होगा तो सारे में डबल होगा इट मीन्स ये सारे साइड जो है वो इक्वल है ओके okay? तो ये क्या है एक रेगुलर पेंटागोन है पहली बार रेगुलर पेंटागोन के एंगल्स भी इक्वल होते हैं बच्चों ये सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे यदि एक का मेजर आपको एक्स दे रखा है तो इट मीन्स ये पांचों के पांचों जो होंगे ये एक्स ही होंगे ठीक रेगुलर फिगर्स की ही प्रॉपर्टी यही होती है रेगुलर पॉलीगॉन्स के प्रॉपर्टी ये होती है कि सारे के सारे साइड्स भी इक्वल और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल ओके okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं इसके साइड्स का नाम दे देते हैं ए एंगल्स दे का नाम दे रहे हैं है ना ए देन सी बी अच्छे से नहीं आया ना बी डी और इसे दे देते हैं ई, e. ठीक अब क्या करना है एक बार मेंशन जरूर करना है सिंस। और लिखोगे सिंस ए गिवन पॉलीगोन भी लिख सकते हो सिंस गिवन में क्या है पॉलीगॉन है ना गिवन पॉलीगोन पॉलीगॉन इज अ रेगुलर पेंटा Gone. hence its all angles are इक्वल हमें तो क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है है ना तो यहाँ पे सिंपली एंड एंगल सम लिख लेते हैं एंगल सम तो लिखना जरूरी है उसी के हेल्प से तो हम निकालते हैं एंगल सम ऑफ अ पेंटागॉन अच्छा यहाँ पे अब दोबारा नहीं निकाल रहे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था ओके तो बनना तो जरूर बन तो जाएगा ही अब है ना तो यहाँ निकाल नहीं रहे डायरेक्ट हम फोर फाइव फोर्टी यूज कर ले रहे हैं ओके अब एंगल्स लिख लेते हैं क्या करते हैं इसके बाद एंगल ए प्लस एंगल यहाँ तो डिविजन ऑफ एंगल्स भी नहीं है कि हमें पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है है ना तो ये तो ईजिली हो जाना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई सब प्लस हो गए

ये हो गया फाइव से वन गया जीरो ओके यहाँ देखो एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक आप लोग यदि पॉज करके कर रहे होगे तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चा यहाँ पे कर देता है वो आ, आ गया क्या आ गया देखो यहाँ पे मैं करके बताती हूँ ये वो आप, आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर में क्या लिख दिया होगा एटीन लिख दिया होगा विच इज रॉन्ग गलत हो जाएगा एटीन यदि लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा एटीन आंसर नहीं होगा कैसे नहीं होगा देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ ये हमारा फाइव से हम यदि डिवाइड करते हैं तो ये फाइव वन सा फाइव तो आ गया ठीक ये माइनस करके ये जीरो आ गया अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसको नीचे के नीचे लेके आते हैं लेकिन देखो जब हम एक नंबर नीचे लेके आ गए फिर भी देखो फोर जो है वो फाइव से छोटा है तो अब हमको क्या जरूरत है दूसरे वाले नंबर को भी हमको नीचे लेके आना है ना लेकिन जब हम दूसरा नंबर नीचे लेके आते हैं उसके पहले यहाँ एक जीरो पुट करना जरूरी है जब एक ही बारी में हमको दो दो नंबर को नीचे लाना पड़ता है तो हम यहाँ जीरो पुट करते हैं फिर हम दूसरे वाले नंबर को नीचे लाते हैं फिर फाइव एट जा फोर्टी लिखते हैं तो एंगल का मेजर कितना होगा वन हंड्रेड एंड एट यही पे मैग्जिम बच्चे मिस्टेक कर देते हैं एटीन लिख देते हैं वैसे भी सोचो ना एटीन यदि एड होगा एटीन फाइव ज हमारा नाइनटी होता है एटीन फाइव ज हमारा वन हंड्रेड सॉरी फाइव फोर्टी थोड़ी ना होता है तो so, लेकिन उतना कौन सोचता है है ना इसलिए ध्यान रखना ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एंड एट हो जाएगा ठीक तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी वन हंड्रेड एंड एट डिग्री तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ओके सो आई होप सारे के सारे पार्ट्स आपको सा, अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों इसी के साथ ये वाला सेशन हम यही एंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेवन के दो पार्ट है दोनों करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेवन के दोनों पार्ट के साथ देन टेक केयर बाय